युवा कांग्रेस लोकसभा महासचिव अजीत शुक्ला के नेतृत्व में जिले की बड़वारा विधानसभा के ढीमरखेड़ा तहसील की खस्ताहाल सड़कों के विरोध में थाने से एसडीएम कार्यालय तक नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा। आज युवा कांग्रेस लोकसभा महासचिव अजीत शुक्ला के नेतृत्व में जिले की बड़वारा विधानसभा के ढीमरखेड़ा तहसील की खस्ताहाल सड़कों के विरोध में थाने से एसडीएम कार्यालय तक नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा गया और बताया कि मुख्यमंत्री प्रदेश की सड़कों को अमेरिका से अच्छी सड़क बता रहे हैं, उनको हम चंदा जोड़कर चश्मा देंगे जिससे वो प्रदेश की सड़कों की वास्तविक स्थिति को देख सके। प्रदर्शन में उपस्थित बड़वारा विधानसभा दावेदार प्रमिला मरावी और प्रवक्ता शैलेंद्र प्रणालिक ने ढीमरखेड़ा की समस्त सड़कों की स्थिति एसडीएम देवकी नंदन को बताई। आज ढीमरखेड़ा ब्लॉक में एसडीएम साहब के सामने युवक कांग्रेस में अजीत शुक्ला जो हमारे शहडोल लोकसभा क्षेत्र के महामंत्री हैं, उनके द्वारा और युवक कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ कांग्रेसियों द्वारा इस क्षेत्र में जिस तरह की रोडों का हाल है, एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश की रोडें अमेरिका से अच्छी रोडें हैं और दूसरी तरफ आज ये स्थिति है कि जिस वो हमने अभी जो ज्ञापन दिया, मैं सिर्फ ढीमरखेड़ा ब्लॉक के कुछ एक रोडों की बात करता हूँ जहाँ पर आज कोई अगर बीमार हो जाए तो वहाँ से मरीजों को लाना भी मुश्किल है। पैदल चलना या गाड़ी निकलना तो दूर है। ऐसी बहुत सारी रोडें हैं, जैसे कुंडा से द्योरी रोड का हमने जिक्र किया, हमने द्योरी से पिडराई मार्ग का जिक्र किया, हमने सुनारखेड़ा से इमलिया का जिक्र किया, हमने ढीमरखेड़ा से दसरमन का जिक्र किया, हमने शुक्ल पिपरिया से बरही, कुंसरी से सहजपुरी और सिलौड़ी से बीजापुरी, अभी इन 6-7 रोडों का हमने इस ज्ञापन में जिक्र किया। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी रोड है ढीमरखेड़ा में जहाँ पर पैदल चलना मुश्किल है। आज कोई अगर बीमार हो जाए तो उसको खटिया में लादकर अस्पताल तक पहुंचाना पड़ता है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश की जो सड़कें हैं वो अमेरिका से अच्छी सड़कें हैं। इसलिए मैं शासन प्रशासन और मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आपने जो पिछले लोकसभा उपचुनाव में आके घोषणाएं की और पत्थर लगाया उन पर आदरणीय काम करिए, नहीं तो जनता दोबारा आपको और आपकी पार्टी के लोगों को गाँव में नहीं घुसने।